भारत सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मामले एक और बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच भारत सरकार की ओर से भी कोरोना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर्स के साथ पीएम मोदी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी की डॉक्टर्स के साथ एक बैठक हुई। इसी दौरान निर्णय लिया गया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर्स के साथ पीएम की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यह फैसला भारत सरकार की ओर से लिया गया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर लगातार वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पहले 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया गया, उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया गया और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बात का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। डॉक्टर्स के साथ पीएम मोदी की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई और इसी बैठक में लोगों को कोरोना वैक्सीन किस तरह से दी जाए इसे लेकर भी बात की गई। और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच रोकथाम के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं और बड़ा फैसला इसी बीच सरकार की ओर से लिया गया है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही वेरी वेलकम डिसीजन, बिकॉज ये सच है कि जितना मर्जी हम कोरोना को कंट्रोल कर लें, जो इसकी जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, यानी कि हम अंदर से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, अभी तक जो हो रहा था सिर्फ 45 साल के लोगों को ऊपर के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा था, तो एक वर्ग था 18 से 45 का वर्ग, वो एक वर्ग था 18 साल तक के लोगों का वर्ग, दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो जो भी कदम देश की सरकार उठा रही है इसका हम स्वागत करते हैं और हमारे विचार में जितनी जल्दी हम लोगों की इम्यूनिटी को उठाएंगे और हम एक देश में कोरोना के खिलाफ एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे, उतनी जल्दी ही हम देश के देशवासियों को कोरोना से बचा पाएंगे। तो मेरे विचार में इसको वॉर लाइक मामले जब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भी कोशिशों में जुटी हुई है। इस बीच जब अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की बात कही जा रही है और कोरोना के मामले जब पीक पे पहुंच गए हैं, तो क्या मानते हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाकर कितना असर कोरोना की रोकथाम में देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे देश की लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन और अभी तक सिर्फ 13 करोड़ टीके लगे हैं, तो वो जो ये वर्ग है 18 से 45 तक का, ये बहुत ही मोबाइल वर्ग है, जो ये लोग बच्चे हैं, जो लोग जवान लोग हैं, जो कि अंदर बाहर ज़्यादा जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और फिर ये अपने घर में वापस आते हैं और बच्चों को भी बीमारी फैला सकते हैं और बड़े बूढ़ों को भी बीमारी फैला सकते हैं। तो हमारे विचार में जो ये वर्ग है इसको हम अगर अब लगाना शुरू करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद तकरीबन 6-8 हफ्तों में हम इसको कुछ इम्यूनिटी दे पाएंगे। हालांकि ये फैसला थोड़ा लेट जरूर कहा जाएगा, बट स्टिल इट इज ए वेलकम स्टेप। इसको जितना जल्दी आगे बढ़ाया जाए उतना ही हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा रहे। जी नरेश जी, एक और वैक्सीनेशन अभियान को लगातार आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से लोगों को ज्यादा लोगों को वैक्सीन एक साथ लगाई जा सके, लेकिन इस बीच कई जगहों से तो बातें ये भी निकल कर सामने आई, वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालातों में कैसे वैक्सीनेशन अभियान को जल्द आगे बढ़ाया जाएगा? बहुत हैं, लेकिन हम सब ने, देश की सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओज, हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ये सब मिल के हमें इस बीमारी से युद्ध स्तर पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। या तो कोरोना जीतेगा या कोरोना हारेगा। सभी लोग साथ में आकर इस बीमारी से लड़ेंगे, इस वायरस से लड़ेंगे, तभी इसकी रोकथाम हो पाएगी और देश इस बीमारी से उभर पाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।